स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बैक टू कॉलेज पर। और आज हम 2016 का पीजीटी हिस्ट्री का जो पेपर आया था वो हम देखने वाले हैं। सिर्फ हिस्ट्री के क्वेश्चन जो कि 90 से शुरू हैं और 150 तक हैं, यानी कि 60 क्वेश्चन इसके अंदर हम हिस्ट्री के हैं, इसके अंदर 15 वर्ल्ड के हैं, वो हम देखेंगे कि किस प्रकार का पेपर 2016 के अंदर आया था और आने वाले पेपर किस टाइप से आ सकते हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं 91 से। तो हमारा 91 देखते हैं, अकबर का जन्म स्थान है दोस्तों, ये हमें पता ही है कि जब हुमायूं लड़ रहा होता है तो उसका राजा छीन जाता है, तो वो शरण ले लेता है अमरकोट के पास। अमरकोट का राजा था तो वहाँ पे ये शरण लेता है और अमरकोट में ही अकबर का जन्म होता है। तो हम ऐसे अब याद रखते हैं कि अकबर ऐसे अमरकोट, कुछ इस टाइप से हम याद कर सकते हैं। 92 देखिए, निम्नलिखित नेताओं में से कौन असहलग्नता आंदोलन का संस्थापक नहीं था। दोस्तों इसको असहलग्नता आंदोलन को इंग्लिश में बोलते हैं इंग्लिश में मेरे वर्ड याद नहीं है, उसको गुट निरपेक्षता बोलते हैं दोस्तों। तो इसमें नासिर था, टीटो था और नेहरू था जो मेन थे, स्टालिन नहीं था। यही इसका राइट आंसर है ए। 93 देखिए दोस्तों, मोहम्मद गोरी द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को पद प्रदान किया गया दोस्तों, वह कौन सा पद था दोस्तों? ये मलिक का पद था दोस्तों, जो इसको फर्स्ट टाइम दिया गया था 1206 में, तो ये बनता है दोस्तों, उससे पहले इसको ये पद मिलता है, जो कि 1206 में गोरी मर जाता है, तो ये मलिक का पद उससे पहले इसको मिलता है। 1994 देखिए, 1905 जो बंगाल विभाजन था उसके पीछे लॉर्ड कर्जन का उद्देश्य क्या था दोस्तों? दोस्तों इसके पीछे जो हम ऑप्शन नहीं सीधा इसका आंसर बताने की ट्राई करेंगे क्योंकि लंबी वीडियो बनती है दोस्तों, क्योंकि अंग्रेज़ों का मेन मोटिव क्या था कि बंगाल में उस टाइम राजनीति का मेन फोकस था, जैसे बंगाल से ही मोस्टली नेता निकल के आ रहे थे, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी वगैरह, तो मोस्टली ऐसे ऐसे नेता क्या थे वहाँ से, बंगाल से ही बिलोंग कर रहे थे, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस जी भी बंगाल से ही थे। तो ये क्या था, वहाँ पे राष्ट्रवाद का काफ़ी जोर था, तो बंगाल में राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना इनका मेन मोटिव था लॉर्ड कर्जन का, तो इसलिए ये तोड़ना चाहते थे। लेकिन उन्होंने ये क्या कहते थे कि हम प्रशासन को सही से चलाने के लिए इसको दो भागों में बांट रहे हैं, लेकिन इनका मेन मोटिव राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना था, हिंदू मुस्लिम को लड़ाना था। तो चीन में दोस्तों उन्होंने पूछा है कि कालखंड में पेपर अस्तित्व में आया, तो पेपर बना था वहाँ पर 100 से 150 ईस्वी के मध्य। तो सही सुमेरे त्याग युग युग में उन्होंने दोस्तों पूछा है, तो ये था पुरुषपुर का पैगोड़ा जो कनिष्क ने बनवाया था। जो हाथी गुम्फा अभिलेख है दोस्तों ये खारवेल का है, शिनकोट है इसका नाम सही से दे नहीं रखा। सांची का स्तूप ये अशोक के टाइम में बना था दोस्तों। जो गुरु नानक के उत्तराधिकारी उन्होंने पूछे हैं दोस्तों कौन था गुरु नानक उत्तराधिकारी जो बना था उनके बाद, तो वह था दोस्तों गुरु अंगद देव, जिन्होंने वो लिपि जो गुरुमुखी लिपि है उसका जन्मदाता ये माने जाते हैं। 98 निम्न में से कौन सा हर्षकालीन साहित्य ग्रंथ नहीं है, जो हर्ष के टाइम में जो दोस्तों नहीं लिखा गया, ये अमरकोश था दोस्तों। ये अमरकोश क्या था, ये गुप्त काल के अंदर लिखा गया था अमर सिंह के द्वारा, अमरकोश लिखा गया है दोस्तों, एक गुप्त पीरियड की है। और रत्नावली ये कादम्बरी ये हर्षचरित अशोक घोष के द्वारा लिखे गए हैं, रत्नावली हर्ष द्वारा लिखा गया है, तो ये हर्ष के टाइम के थे दोस्तों। जो तृतीय 99 देखिए, 30 वर्षीय जो युद्ध लड़े जाने के वर्ष कौन से हैं दोस्तों, उन्होंने वर्ष पूछे हैं, तो जो ये वर्ष थे दोस्तों ये से 1618 से लेके 1648 ईस्वी तक। उलटबासी दोस्तों इन्होंने पूछा है कि किससे संबंधित है, यानी कि इनका जो लिखने वाला दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन कटिंग में है, तो वो कबीर दास थे दोस्तों, कबीर उलटबासी का क्या था इससे संबंधित रखते हैं, जैसे कि उल्टी उनकी वो थी उक्तियाँ जो भी वो कहते थे, थोड़ा उल्टा बोलते थे, मुंह पे सीधा कुछ भी कहते थे, वो मुंह फट थे। तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक पूछे हैं कौन थे दोस्तों, वो हरिहर और बुक्का थे, ये फर्स्ट हरिहर और बुक्का फर्स्ट आते हैं दोस्तों इसके अंदर। 1336 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी विजयनगर साम्राज्य की, तो 101 का जो बी रहेगा आंसर, 102 देखते हैं, संथाल विद्रोह का नेता दोस्तों कौन था, ये है दोस्तों सिद्धू, यानी ये 1855-56 में ये विद्रोह हुआ था, याद रखना हमें। सातवाहन जो काल का प्रथम शासक कौन माना जाता है दोस्तों, ये सिमुक माना जाता है, जो कि जैसे हमारे ग्रंथ वगैरह आते हैं, तो ये सिमुक इसका उल्लेख हुआ है कई बार। 104 देखिए, सिंध का वह
संधि स्थल जो पूर्णतः हस्त उद्योग के प्रति समर्पित है, यानी कि हस्त उद्योग, हाथ से वहाँ पर क्या था, उद्योग यानी कि चीज़ें बनाई जाती थी। तो कौन सा स्थान था दोस्तों, ये चुनहुदड़ो था। ये नेट में भी कई बार आया है और नेक्स्ट टाइम भी आ सकता है, तो हमें याद रखना है। 105 देखिए, उनमें से कौन सा, कौन जो फ्रांस में लुई 16वां का वित्त मंत्री नहीं था दोस्तों, जो थे वो हमने पहले टिक कर रखे हैं, ये तुगो नेकर कोलोन थे, ये इसका आंसर है, ये नहीं था। 106 देखिए, प्रथम गुप्त राजा ने महाराज राज की उपाधि जो धारण की थी वह कौन था दोस्तों, ये चंद्रगुप्त प्रथम था दोस्तों, इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। 107 देखिए, संधि स्थलों में प्राप्त मोहरों से हमें जानकारी, जो मोहर मिली है दोस्तों उनसे हमें कौन सी जानकारी मिलती है संधि सभ्यता की, तो वो हमसे पूछा गया दोस्तों, वो हमें मिलती है लिपि और धर्म की। एक सिक्कों पर क्या होता है, मोहरों को हम सिक्के बोलते हैं, तो मोहर जो वहाँ मिली है उनके ऊपर लिपियाँ थी, जैसे कि चित्राक्षर वगैरह लिपि वहाँ की थी मोस्टली, तो उससे हमें आइडिया मिलता है उनकी लिपि का और धर्म का, क्योंकि इस पर चित्र वगैरह बने हुए थे, जैसे कि शिव टाइप की वहाँ एक वो मिली है मोहर, उसके ऊपर शिव टाइप का कोई बैठा हुआ है, उसके नीचे सांड और घोड़े की वो है इमेजेस हैं दोस्तों, इससे हमें आइडिया लगता है कि ये लिपि और धर्म की हमें जानकारी देती है। 108 देखिए, तत्वबोधिनी जो सभा थी उसके संस्थापक कौन थे दोस्तों, इन्होंने ये पूछा है, तो जिसके संस्थापक थे दोस्तों ये थे देवेंद्रनाथ टैगोर, तत्वबोधिनी सभा से संबंधित थे ये। 109 देखिए, पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का से मदीना कब पहुँचते दोस्तों, ये 622 ईस्वी में पहुँचते हैं दोस्तों। 110 देखिए, प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता के जो हड़प्पा सभ्यता के जूते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है वो कहाँ से मिलता है, वो कालीबंगा से मिलता है। 111 देखते हैं, प्रारंभिक मध्यकाल में जो रचित लीलावती एक ग्रंथ है वो किसके ऊपर लिखा गया ग्रंथ है दोस्तों, तो ये हमसे पूछा है, तो ये था गणित के ऊपर, हमें याद रखना है लीलावती एक गणित का ग्रंथ है, ये नेट के अंदर भी कई बार मेल मिलाप में क्वेश्चन आता है, तो हमें इसको ध्यान से याद करना है। 112 नंबर देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें वी डी सावरकर द्वारा लिखित हैं, नीचे दिए गए कूटों से उत्तर चुनिए दोस्तों। दोस्तों इसमें पहले ही आंसर किया हुआ है हमने, तो ये है 1, 2 और 3 दोस्तों, इसका बी आंसर है, हिंदुत्व है उनकी, इंडियन वार इंडिपेंडेंस है, जोसेफ मेजिनी है। 113 देखिए, सड़क निर्माण प्रक्रिया के जो प्रक्रिया थी उसका आविष्कार करने वाला जो स्कॉटिश इंजीनियर था दोस्तों वो कौन था, वो मैक एडम था दोस्तों, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 2019 के पेपर में भी आया हुआ है दोस्तों एस्टेट के अंदर, तो हम सोचते हैं कि रिपीट नहीं होते क्वेश्चन तो हम पुराने पेपर नहीं पढ़ते दोस्तों, ये मस्ट जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि लास्ट टाइम आया हुआ है, और कई बच्चों का गलत होगा, अगर वो पढ़ के गए होते तो उनका ये सही होता, ये मैक एडम था दोस्तों। 114 देखिए, 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह वर्णित करने वाला रूढ़ीवादी नेता कौन था दोस्तों, तो ये रूढ़ीवादी दोस्तों ये इंग्लैंड के सारे ही इन्होंने राइटर दिए हुए हैं, यानी कि वहाँ के जो नेता थे तो ये उन्होंने दिए हुए हैं, जो ही था डिजराइली था दोस्तों, बेंजामिन डिजराइली, जो 1857-58 के पास आसपास के वहाँ पे था इंग्लैंड में। 115 देखिए, इनमें से कौन सा सम्राट अशोक के प्रांतीय केंद्र नहीं थे दोस्तों, अशोक के इन्होंने पूछे कि केंद्र नहीं थे, तो तक्षशिला भी था, तोसली भी था, स्वर्णगिरी भी था, अश्मक नहीं था, ये जनपद से संबंधित यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिया है, तो यही इसका आंसर रहेगा। मुगल सम्राट जहांगीर ने भारत पर शासन किया दोस्तों, ये किया था 1605 से लेकर 27 में, उसमें शाहजहाँ बन जाता है 27 के अंदर। 17 देखिए, मगध के उदय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है, उदय के कारण पूछे इन्होंने तो नहीं पूछा है, तो वारे कृषि उत्पादन वहाँ होता था, उपकरण व शस्त्रों के लिए लोहे की वहाँ खाने भी बहुत थी, और हाथी भी वहाँ पे जंगल थे तो हाथी भी थे, और उन्होंने क्या कहा है कि महावीर व बुद्ध का जो जन्म है इस क्षेत्र में हुआ दोस्तों, ये ऐसा कोई कारण नहीं बनता कि वहाँ पर उनके जन्म से भाई उनका मगध का उदय हुआ, तो ये हमारा राइट आंसर है, और ये वैसे गलत कोटेशन है यहाँ पे। 118 देखिए, निम्नलिखित में किस स्थल उत्खनन से भारत और रोम के व्यापार पर प्रकाश पड़ता है दोस्तों, ये एक बंदरगाह थी आर्किमेडू, ये याद रखनी है, यहाँ से क्या है द्वीप का टुकड़ा, और भी काफ़ी रोम की मुद्राएं यहाँ से मिलती हैं, तो हमें ये याद रखनी है। 119 देखिए, अमेरिका की स्वतंत्रता को इंग्लैंड ने मान्यता कब प्रदान की, तो जो इंग्लैंड उनको मान्यता प्रदान करता है यह करता है 1781 के अंदर दोस्तों। 119-120 देखते हैं, वर्तमान भारत के राज्य जो दक्षिण के प्राचीनतम तमिलकम साम्राज्य से सम्मिलित थे
तो जो इन्होंने पूछे हैं वो कौन कौन से दोस्तों, तो ये केरल था, आंध्र प्रदेश था, तमिलनाडु, ये उस टाइम प्राचीन क्या था, जैसे चोर चेर और जो चोल चेर और जो पांड्य थे वो इन्होंने पूछे हैं वर्तमान राज्यों के हिसाब से दक्षिण में कौन कौन थे। तो ये मेन थे दोस्तों, जैसे कि तमिलनाडु में चोल थे, केरल में चेर थे, तो इस हिसाब से इन्होंने पूछा है। आंध्र प्रदेश के अंदर पांड्या थे। 1921 देखिए, 1886 और 1893 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशनों के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो हमें पता है कि ये दादा भाई नौरोजी थे। कर्नाटक में चालुक्य और तमिलनाडु में पल्लवों के उदय का काल उन्होंने पूछा है दोस्तों, वो क्या था, तमिलनाडु और चालुक्य का जो टाइम पीरियड इन्होंने यहाँ से पूछा है, ये हमें याद रखना, ये 500-600 ईस्वी का टाइम है और पल्लवों के अंदर ही, पल्लवों का जो टाइम पीरियड था उसके अंदर ही शैव और अलवरों का भी उदय हुआ था, जो आंदोलन चला था भक्ति का वहाँ पर साउथ में, तो वो जो पल्लवों के टाइम में चला है दोस्तों। और एक चीज़ जो हमें याद रखनी है वो यह है कि किस कौन से वंश ने जो सिक्के नहीं चलाए, वो पल्लव ही थे जिन्होंने सिक्के नहीं चलाए, उनका एक भी सिक्का नहीं मिलता। 123 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक शासक अमित्रघात के नाम से जाना जाता है दोस्तों, जो अमित्रघात के नाम से जाना जाता शासक है दोस्तों वह है बिंदुसार, इसको अमित्रघात या अमित्रचेटस भी बोला जाता है, तो ये हमें याद रखना है। अकबर द्वारा जरीने कलम का खिताब दिया गया दोस्तों, ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड है, नेट में भी आया हुआ है ये दोस्तों, ये था मोहम्मद हुसैन जो कश्मीर का रहने वाला था, ये रिपीटेड है दोस्तों, ये हमें याद रखने हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से रूस के आधुनिकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है दोस्तों, रूस का आधुनिकीकरण किसने किया, ये किसके टाइम में हुआ, ये पीटर दी ग्रेट को कहा जाता है दोस्तों, रूस के आधुनिकीकरण का श्रेय इसको दिया जाता है। जो 126 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का सिद्धांत नहीं है दोस्तों, तो त्रिरत्न भी है, स्यादवाद भी है उनके अंदर, अजीव अजीव भी है, ये प्रत्यसमत्ववाद जो है ये बौद्धों का है दोस्तों, ये इसका राइट आंसर रहेगा, ए इसका राइट आंसर है, सिद्धांत नहीं पूछा है तो ए इसका आंसर है 126 का ये दोस्तों। और 127 देखिए, WE. Wiley की गोली मारकर हत्या करने वाला कौन था दोस्तों, तो ये था मदन लाल ढींगरा दोस्तों, जिसने इंग्लैंड के अंदर इनको गोली मारी थी। 128 देखिए, वहदतुल वजूद से क्या अभिप्राय है, तो यह क्या है दोस्तों, इनसे पहले लगा हुआ है आत्मा और परमात्मा की एकता, जो वहदतुल वजूद का सिद्धांत है यह आत्मा और परमात्मा की एकता है दोस्तों, ये सूफीवाद से संबंधित है। 128 129 देखिए, सहायक संधि प्रथा का प्रारंभ किया था दोस्तों, 128 है ना ये, 129, सहायक संधि जो प्रथा का जब प्रारंभ किया था वो किसने किया दोस्तों, तो हमें पता है कि ये वेल्जली के टाइम में हुआ था, वेल्जली जब आता है तो वो सहायक संधिया करता है, ये 1798 में आता है, ये भी हमें चीज़ें याद रखनी है दोस्तों। तो 129 का जो राइट आंसर है वो ए है। और 130 देखिए, आईने अकबरी के लेखक कौन थे दोस्तों, हमें पता है ये अबुल फजल था जो इसका कवि था अकबर का। 131 देखिए, सैंधव लोगों द्वारा मुख्यतः प्रयोग में ली जाने वाली धातु थी, सैंधव जो मुख्यतः जो प्रयोग में ली जाती धातु थी उनकी कौन सी दोस्तों, ये पूछी है, तो ये थी कांस्य। हमें पता है कि मनुष्य सबसे पहले तांबा और कांस्य का यूज़ किया था। 132 देखिए, सुधारण जो सुगुण सगुण धारा के संतों में से कौन से कृष्ण के भगत पूछे हैं, तो कथनों में छांट ये कौन कौन से थे, जो तुलसीदास हैं वो तो नहीं थे, हमें पता है कि रामचरितमानस लिखे थे राम के थे, मीराबाई भी थी, शंकर दास ये असम के थे, चैतन्य ये बंगाल के थे, ये भी कृष्ण भगत थे, सूरदास तो हमें पता ही है कि ये कृष्ण भगत थे, तो ये इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और ये शंकर दास दोस्तों ये असम के थे, इन्होंने भागवत को क्या किया था, मंदिर में स्थापना करके वहाँ पे पूजा शुरू की थी, और पहले ऐसे कृष्ण भगत है जिन्होंने मूर्ति रूप में कृष्ण की पूजा को स्वीकार नहीं किया, उसने विरोध किया है, ये हमें याद रखना है। 133 देखिए, मुगलों के विरुद्ध अफगानों का नेतृत्व करने वाला हिंदू सेनापति हेमू जो था, जो अकबर के टाइम में था और जिसकी गर्दन काट देता है बैरम खान, तो ये हेमू कहाँ का निवासी था, तो ये था रेवाड़ी का दोस्तों, ये 14वां, जो ये भी हमें याद रखना है कि ये 14वें नंबर पे विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम हिंदू राजा था, यानी कि विक्रमादित्य 13 इससे पहले हुए हैं, ये 14वां है जिसने ये उपाधि धारण की थी, तो ये रेवाड़ी का रहने वाला था दोस्तों, ये हमें याद रखना है। तो 134 देखिए, निम्न में से कौन सा वह कारण नहीं है जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारतीय इतिहास में महाजनपद काल को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी सिद्ध करता है, तो इसमें इन्होंने जो नहीं कारण नहीं पूछा है, जो नहीं है वो नहीं, हमने बताना है कि नहीं जो है
इसमें कौन सा है, जो हमें सही देख लेते हैं इसमें ऑप्शन पढ़ के। प्रारंभिक राज्य और नगरों का उदय, हाँ ये सही बात है, यहाँ लोहे के बढ़ते उत्पादन को दर्शाता है, सही है, यहाँ लोहे का उत्पादन उस टाइम हो गया था, तो यह मुद्रा विकास के भी दर्शाता है, तो ये भी सही है। यह यूनानी आक्रमणों की सूचना देता है, दोस्तों ये ऐसा कुछ नहीं था उस टाइम में, तो यही इसका राइट आंसर रहेगा। 135, देखिए फैक्ट्री पद्धति का आरंभ प्रथम बार कहाँ हुआ, तो हमें पता ही है दोस्तों कि इंग्लैंड के अंदर ही क्रांति आई थी, औद्योगिक क्रांति, और जो औद्योगिक क्रांति वहाँ पर आई थी उसका टाइम पीरियड भी इसी टाइम का है, फैक्ट्री पत्तियाँ वहाँ पर स्थापित होने लगी थी, जो क्योंकि हमारा ही धन वहाँ जाने लग गया था तभी वहाँ पर फैक्ट्रियाँ वगैरह स्थापित हुई थी, क्योंकि हमारा उन्होंने काफ़ी शोषण किया अंग्रेज़ों ने। 136, देखिए निम्न को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूटों से उच्च उत्तर चुनिए दोस्तों, तो इन्होंने मैचिंग करना है और उत्तर को चुनना है दोस्तों। एक बार इसके ऑप्शन देख लेते हैं कि किस हिसाब से हमने इसको मैच करना है, तो गुलाम वत्स का दोस्तों हमें पता है कि कैकुबाद जो ये बलबन का पोता था शायद, खिलजी वंश, और ये सैयद वंश के अलाउद्दीन आलम शाह थे, और तुगलक वंश के जो थे, एक बार देख लेते हैं ऑप्शन कौन से मैच हो रहे हैं। तो दोस्तों ये खिलजी वंश का जो नसरुद्दीन खुसरो था, और क्योंकि ये खुसरो लास्ट में बनता है, तुगलक वंश के महमूद सेकंड थे, तो इसका आंसर जो फर्स्ट आएगा ये आएगा कूट में जो बन रहा है। 137, देखिए हरिश्चंद्र की प्रयाग प्रशस्ति की भाषा क्या थी, तो ये संस्कृत थी दोस्तों, हमें पता है कि ये समुद्रगुप्त की प्रशस्ति थी, यानी कि समुद्रगुप्त को प्रशंसा में लिखा गया था, इसके अंदर उसके जो राज्य उसने जीते थे उसके उल्लेख है, जिसे संस्कृत भाषा में लिखा गया था। कलकत्ता में अंग्रेजी कंपनी द्वारा निर्मित दुर्ग कौन सा दोस्तों, ये फोर्ट विलियम था, ये 1800 के अंदर बना था, ये नेट में भी क्वेश्चन आया था इस बार। देखिए 27 ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य का स्थापक कौन था दोस्तों, तो ये अगस्टस था, ये लास्ट टाइम भी रिपीट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड है पीछे एग्जाम में 2017 में ये आया हुआ है, ये अगस्टस था। 140, देखिए प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की जो स्वर्ण मुद्राएं जो रोमनों के समान है वो जारी किसने की थी, प्रथम शताब्दी में जो कौन आए थे, तो हमें साइड लगा लेना चाहिए, तो रोमनों के समान थी, तो वो ये दोस्तों एक कुषाण आए थे उस टाइम पे, तो एक कुषाण इसका आंसर रहेगा। जो अमेरिका के अंदर प्रथम जो इन अंग्रेजों की बस्ती थी दोस्तों वो थी जेम्स टाउन, हमें याद रखनी है जेम्स टाउन, टाउन जेम्स। तो ये इनने पूछा है जो गिलेशमिश महाकाव्य किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है, तो ये मेसोपोटामिया से संबंधित है, आंसर हमने साथ में भी थोड़े लिखे हुए हैं। जापान का जो फुकुजावा युकिची एक क्या था, ये दोस्तों एक बुद्धिजीवी था दोस्तों, ये राइट आंसर है इसका। मुगल बादशाहों की दोस्तों दरबारी भाषा क्या थी, तो ये फारसी थी दोस्तों, जो इनके धर्म की भाषा थी वो अरबी थी, और तुर्की इनके व्यवहार की भाषा थी दोस्तों, इनकी धर्म की भाषा अरबी थी दोस्तों, ये भी हमें याद रखना है कि इनकी अगर आ जाए कि दरबारी भाषा जो थी वो फारसी थी, लेकिन जो इनकी धर्म की भाषा थी वो अरबी रहेगी। 145, देखिए मुगल काल में व्यापारियों का जो प्रमुख था वो क्या कहलाता था, वो था श्रेष्ठी दोस्तों। 146, देखिए जापान में मेजी शासन की पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई, 146 का जो राइट आंसर दोस्तों वो है ए, 1868 में हुई थी, 1912 तक हुई थी ये। तो जो सतुद्री है दोस्तों वो सतलुज है, और विपाशा जो व्यास बनती है ये गलत दिया हुआ है, यहाँ पे सम्मिलित नहीं होता, ये पुरुषनी रावी बनती है। जो अस्किनी, अस्किनी व्यास को बोलते हैं, तो अस्किनी दोस्तों अस्किनी चिनाब को बोलते हैं, तो ये भी मिसमैच है दोस्तों। वित्सता जो झेलम नदी को बोलते हैं, तो जो जो गलत हुए हैं वो 2 और 3 है, जो सही है 1, 3 और 5, 1, 3 और 5, देखते हैं कौन से आंसर में है, तो 1, 3 और 5 दिया गया है दोस्तों, 1, 3 और 5 दिया गया सी के अंदर, तो इसका सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। 148, देखिए जो उज्बेकिस्तान का वह स्थान जहाँ उल्ब्रेनी जो अलब्रूनी था दोस्तों उसने शिक्षा प्राप्त की थी, तो ये ख्वारिज्म शहर था जहाँ से इसने शिक्षा प्राप्त की थी, ये गजनवी के साथ आया था दोस्तों, तो इसका आंसर ख्वारिज्म है। द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी दोस्तों, ये हुई थी ऑप्शन सी 1889 के अंदर, तो राइट आंसर है 150। देखिए वह देश जहाँ से
जब सम्राट अशोक का प्रस्तरावलिख प्राप्त हुआ है दोस्तों, श्रीलंका से नहीं हुआ, चाइना से नहीं हुआ, जापान से नहीं हुआ, तो ये अफगानिस्तान का एरिया है जहाँ से हमें द्विभाषी या खरोष्ट लिपि में अंदर वहाँ पे उसके अभिलेख मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखे 90 क्वेश्चन जो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, रिपीटेड हो सकते हैं एस्टेट में, नेट में। तो दोस्तों अच्छे से इनको आप याद कीजिए और हमसे जुड़िए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक करवाइए दोस्तों, ताकि मुझे भी थोड़ा हौसला मिले कि मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन रिपीटेड बढ़िया यहाँ पर डालूँ। तो दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद, लाइक दोस्तों और कमेंट दोनों कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।